मैं अब सबक सिखाऊंगा उन लोगों को, मैं बताऊंगा कि असली शेर कौन है और असली गीदड़ कौन है। पूरी नज़र रखवानी पड़ेगी, पूरी की पूरी नज़र रखवानी पड़ेगी अब मुझे उन लोगों पे। यार अब उसका एक भाई तो मर गया, मुझे दूसरे का तो मुझे नहीं पता। अब मैं जल्दी से जाता हूँ शोरूम के मालिक से पूछने के लिए क्या सीन है, उसे इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। और मैं ये बताना भूल गया था कि मैंने ये नई थाल ले ली थी शोरूम के मालिक से ही, क्योंकि मेरी फॉर्च्यूनर लास्ट टाइम फट गई थी। तो अब जल्दी से जाके बात करके आता हूँ शोरूम के मालिक से। दूसरा भाई कौन हो सकता है यार उसका, मुझे अपने भाई को भी बचाना है जैसे तैसे। अब देखता हूँ जाके क्या सीन है। का दूसरा भाई यहाँ आता जाता रहता है, तुम्हें उसके नज़र रखनी होगी और संभल के रहना। तो उसने मुझे एक लोकेशन और बताई है शोरूम के मालिक ने, वो यहाँ पे आता जाता रहता है, यहाँ पे एक कंटेनर वाली जगह है। मैं दिखाता हूँ चल के, मैं क्योंकि इस एरिया पे ज़्यादा गया भी नहीं हूँ, तो जल्दी से जाता हूँ देखने के लिए। यार अब कौन होगा यार वो, मुझे कैसे भी करके उसका बस पता लगाना है। अब थोड़ा सा आगे जगह और वहाँ पे मिल जाएगी जगह, और मैंने वो जगह पहली बार देख रहा हूँ, मुझे शोरूम के मालिक ने बताया है और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। और उसने एंडीवर, उसके पास ना एंडीवर गाड़ी है टॉप मॉडल, तो ये आ गई वो जगह। दूर से ही देखूँगा क्योंकि मैं पास जाने में सहमत नहीं हूँ, तो जल्दी से स्नाइपर से स्कोप करके देखता हूँ क्या सीन है। यार काफ़ी बड़ा है यार ये कंटेनर वाला एरिया, तो यार ये काफ़ी बड़ा है यार। अब मुझे इसके बारे में मैं तो पता नहीं है क्या सीन है यहाँ पे, तो अब जल्दी से जाता हूँ अब अपने घर सीधा। हर कोई सब जानता है लेकिन सब अनजान होने का नाटक करते हैं। जल्दी से बात करके आता हूँ, साहब ने बुलाया था मुझको और उस साले पे नज़र भी रखनी है, देखता हूँ किस काम के लिए बुलाया है मुझको, पैसा भी मिलेगा ऐश करूँगा। कैसे भी करके उसके घर में घुसो, उसको मारो चाहे जो करो, तुम्हें खुली छूट है, मार के आओ उसे। ये रहा उस गरीब का घर, जल्दी से यहाँ इसके घर में जाता हूँ, अभी ये आया भी नहीं है, किसी काम से गया होगा। ये रहा, जल्दी से इसके ऊपर वाले फ्लोर में छुप जाता हूँ, और इसका शोरूम का मालिक भी आने वाला होगा, उसके लिए तो एक अलग ही प्लान बिछा रखा है हम लोगों ने। जल्दी से घर में भाग के जाता हूँ और ऊपर छुप जाता हूँ, साले के आने का इंतजार करता हूँ बस मैं। तो अभी वो शोरूम का मालिक आ ही रहा होगा यार मेरे घर पे, उसके लिए भी चाय पानी का इंतज़ाम करना होगा। जल्दी से जाता हूँ, ये गाड़ी किसकी खड़ी है यार, कोई और एरिया नहीं मिला था क्या? ये देखना कहाँ खड़ी कर रखी है, अभी टूट जाएगी तो मेरे पे नाम लगाएगा। कोई नहीं है, मैं जल्दी से जाता हूँ घर में, वो शोरूम का मालिक भी आ रहा होगा ना, उसने अभी तक मेरी खातिरदारी नहीं देखी है, अपनी स्कॉर्पियो लेके वो आ ही रहा होगा। तो ये रहा उसका घर, काफ़ी सही घर बनाया है यार, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर बात करके यार मुझे जंगल वाले एरिए पे कुछ काम करने के लिए जाना है। तो चल यार मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी से काम करने के लिए भी जाना है, रात के 9 बज गए हैं, 11-12 बजे तक तो काम हो ही जाना चाहिए, जल्दी से जाता हूँ मैं। तो अपना ख्याल रखना, कल जरूर आना शोरूम पे। साले चल मेरे साथ। अभी कौन है, अभी तू कहाँ से आया है? साले तुझे मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा, जल्दी से मालिक के पास लेके चलता हूँ। कुत्ते कहीं के तू, तेरा बहुत होता जा रहा है अब। सुअर कहीं के तू, जब मालिक के हाथों से मरेगा तब तुझे पता लगेगा। ऐसे तो जहाँ चला भी नहीं जाऊँगा, तुझे क्या लगता है? रुक जा साले, गधे कहीं के, ले साले चाकू का। अरे अरे मेरी गर्दन छिल गई है, हटा यार ये चाकू, निकाल गधे। आई यार यार, गधे ने काफ़ी मुक्के बजाए यार, अब यहाँ पे कोई है भी नहीं। पहले तो मैं तेरी गाड़ी फोड़ूंगा, सुअर कहीं का मुझे पकड़ने आया था।
ये कोई गाड़ी वाला आ रहा है, इसकी जल्दी से गाड़ी लेके अब मैं चाहता हूँ। यार ये शोरूम के बारे में भी कुछ कह रहा था, मतलब शोरूम के आदमी के बारे में, मुझे यार वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाना होगा यार, मुझे लग रहा वो शोरूम के मालिक की जान खतरे में है। वे चलना क्या खटार गाड़ी है यार, जल्दी से जाता हूँ अब मैं यार, मुझे थाल लेनी होगी अपनी, ये तो गाड़ी भी इसकी ख़राब सी लग रही है मुझे। ये ट्रेन भी अभी आनी थी क्या यार, ये ट्रेन और है इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता है बेवकूफ जैसे। अरे साले कुत्ते कहीं के, ट्रेन रुक गई ना, अब तुझे बताता हूँ गधे कहीं के मेरी, हमारी सारी लीक्स बताता है कुत्ते, हमने तुझे अच्छा समझ के तुझ पे भरोसा करा साले, मल जाके अभी रुक जा, अभी तो ट्रेन के नीचे भी तो लाना बाकी है। मर गया साला, आ, 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 जल्दी से जाता हूँ अब मैं, साला मर गया, कोई नहीं बचा, अब हमारे आगे हमारी कोई खबर बताने वाला, इन लोगों को तो ऐसे ही मारना चाहिए। यार यार यहाँ पे ये यार, ये तो शोरूम के मालिक की गाड़ी है यार। अबे यार मुझे लग रहा हकामा सिलेंडर गुंडों ने कुछ करा यार इसके साथ, तेरी यार बहुत बुरी तरीके से मारा यार मुझे लग रहा उसे यार, मेरा भाई भी गया और ये भी गया। अब रुक जाओ, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगा, ना उसकी बॉडी है यार ना यहाँ कुछ है, मुझे कैसे भी करके अब इन लोगों को मारना पड़ेगा। गधे कहीं के गधों ने नाक में दम करके रख लिया यार, पूरे शहर में यार केवल एक ही दोस्त था यार जो मेरा जो बना था। अब रुक जाओ, इन सालों को मारना ही पड़ेगा मुझे, अब मुझे अपना मास्टर माइंड दौड़ाना पड़ेगा। सीधा हकामा सिलेंडर के पास जाऊंगा यार अब मैं, सीधा का सीधा हकामा सिलेंडर के पास। गधे कहीं के नौटंकी करके रह गए हैं यार अब ये लोग, मुझे कैसे भी करके अब इन लोग को मारना पड़ेगा। नहीं तुम ये सब मत करो, मैं कह रहा हूँ तुम ये सब मत करो, तुम्हें इसका जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, तुम ये सब मत करो। लोग की सिलेंडर की गाड़ी जाएगी बस, मैं तुम्हें इतना और बता सकता हूँ, ये तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा कह रही है, जल्दी से सिलेंडर की गाड़ी भेजो, हमें वो बहुत बड़ी डील भी करनी है हमें, जल्दी से जल्दी भेजो गाड़ियाँ। यहाँ पे उन लोग के सिलेंडर की गाड़ियाँ आएंगी और बस वहीं पे इन लोग का काम तमाम है। बस एक बटन और हकामा सिलेंडर की सेल पूरी तरीके से तमाम होने की गुंजाइश है। ज्यादा समय मत लो, जल्दी से बटन दबाओ प्लीज यार, जल्दी से बटन दबाओ, तुम ज्यादा समय मत लो। अब जिसने शोरूम के मालिक को मारा था, अब मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा। गधे कहीं के पता नहीं मुझे कौन आवाज़ दे रहा है, इसका कोई ना कोई तो मतलब है। किसने सिलेंडर फोड़े, किसने वहाँ हमारी गाड़ियों को फोड़ा, जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। बस अब मुझे पेट्रोल पंप पे जाना हो, पेट्रोल पंप पे पूरा सेटअप कर रखा है, कभी ना कभी तो वो आएगा ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, पूरे शहर में इकलौता पेट्रोल पंप है, CNG तो वो पड़वाएगा नहीं। बस थोड़ा सा समय और इनका खेल ख़त्म, मतलब है कि उस गधे गुंडे का खेल ख़त्म, और बस अब मुझे जल्दी से जाना है शोरूम के पास, मतलब शोरूम के पास नहीं पेट्रोल पंप के पास।
तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये कर सकते हो। ये तो मर गया, बस अब एक गुंडा और है जो कि हमारी खबर इधर से उधर कर रहा है, बस उसको और मारना है। बाद में इनके 2-3 चमचे तो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिए हैं। मुझे कोई बचा लो यार, कोई तो बचा लो, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करने वाला। यार मेरे पीछे यार बहुत गुंडा पड़ा है, मतलब है कि भाई जिसकी मैं खबर इधर से उधर करता हूँ। कोई बचा लो यार, यार मेरी पूरी गाड़ी घूम गई है, प्लीज कोई बचाओ मुझे, सब लोग देखते हुए जा रहे हैं। एक काम करता हूँ, जंगल में सीधा भागता हूँ, वही सीधा एक सेफ जगह है, जल्दी से भाग के जाता हूँ। सुअर कहीं की कब तक भागेगा तू यार, ये तो जंगल वाला रूट चूज कर रहा है यार, वहाँ पे इसके गुंडे भी होंगे यार। देखो ये वहीं जा रहा है यार। अबे तेरी यार ये गाड़ी कैसी चल रही है यार, खटाल जैसी उसकी गाड़ी उछल गई यार। अबे यार वो भाग गया यार, यार ये तो मेरे हाथ से ही निकल गया। लगता है तूने शिवाजी का नाम नहीं सुना, इसलिए तू इतना भागा जा रहा है। ओ तेरी यार यहाँ पे तो शिवाजी हैं। ओ भाई साहब यार यहाँ पे तो यार शिवाजी आ गए, ये यार काफी सही सीन हो गया यार। तो शिवाजी ने मुझसे अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाने को कहा, तो यहाँ साइड कर लेता हूँ। जैसे छछूंदरों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अब हम दोनों मिलके उस छछूंदर को मारेंगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो तुम बस मुझे कॉल कर लेना। आप बहुत अच्छे समय पे आए हो यार, मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो गई। आप आज रात के लिए मेरे यहाँ रुक जाओ, और बाद में कल हम उस गधे को मारने के लिए जाएंगे जो जिसने मेरे भाई को पकड़ रखा है। आप भी उसमें मेरी मदद करा देना। यही वो समय है या फिर यही वो अंत है, देखिए आप। मुझे रात में कॉल आई है यार कि मुझे तुम्हारा भाई मिल गया यार, मैं जल्दी से जाता हूँ। मुझे उसी ने कॉल करी है यार जो हकामा सिलेंडर का, पता नहीं कोई दूसरा भाई है, उसने मुझे कॉल करी है कि तुम्हारा भाई हमारे पास है। मैं जल्दी से आ गया हूँ यार, मैंने शिवाजी को तक नहीं बताया है इसके बारे में, क्योंकि वो सो रहे थे, मैंने टेंशन नहीं देना चाहता था। मैं जल्दी से जा रहा हूँ अपनी थाल लेके, वही कंटेनर वाली जगह पर बुलाया है ना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, चाहे जैसे भी मैं उन लोगों को मारूँ मैं, लेकिन मैं अपने भाई को ला के ही रहूँगा। तो आखिरकार तुम आ ही गए अपने भाई को लेने के लिए। मैं यहाँ पे अपने भाई को लेने ही नहीं, तुझे भी मारने आया हूँ गधे कहीं के। पहले तो तेरे में चमचों को खत्म करूंगा, ले साले गधे कहीं के, तू भी मर जाके, और अब तेरी बारी कबाड़ कहीं के, बोन डालूंगा तुझे। अभी भी समय है, लौट जा यहाँ से। मेरे अलावा कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता है, अब मैं आ गया हूँ जंग में, तुम बेफिक्र रहो, तेरी तो मैं टांगे तोड़ूंगा गधे कहीं के। तेरा सामना होगा अब तेरे असली कॉम्पिटिटर से। अब तू नहीं बचेगा गधे कहीं के, एंडीवर में क्या छुपा, रुक जा, तेरी एंडीवर को फोड़ता हूँ कुत्ते कहीं के। अरे यार ये तो बहुत पावरफुल है यार, तेरी भैया बचाओ मुझे, भैया मैं इसी लेजेंडर में हूँ, भैया बचाओ। यार मेरा भाई तो इसी लेजेंडर में, यार यार मैं इसको कैसे खोलूं यार, जल्दी खोल। गाड़ी को ले जाओ यहाँ से, जल्दी से गाड़ी को ले जाओ, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए इसके बारे में।
तुम लोग अब मेरे चमचों से लड़ोगे जो अभी के अभी नीचे से आ रहे हैं। तुम लोग चाहे मेरी गाड़ी पे गोलियां मारो, चाहे कुछ मारो, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है। सालो भुनो जाके, मेरा तुम लोग पीछा भी कब तक करोगे? मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा और तेरे भाई को भी मरवा डालूँगा। रुक जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, मैं इन लोग को अकेला संभाल लूँगा। आप इन लोग को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ यार जल्दी से। बेफिक्र हो के जाओ, इन लोग के लिए मैंने प्लान कर ही रखा है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने किन किन लोगों को मारा है। गधे कहीं के जाओ, मरो जाके, धुआं चाटो गधे कहीं के, थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान गवा बैठे। यार वहाँ पे वो अकेला होगा, जल्दी से जाना होगा मुझे। मेरे तो सारे गुंडे भी मर गए, मुझे अब डर लग रहा है यार। मैं तो वहाँ पे ऐसा कह के आ गया, अगर मर जाऊँगा मेरी क्या नाम रह जाएगा यार। यहाँ पे कोई जगह क्या, वहीं जाके जल्दी छुप जाता हूँ। ये देखो काफ़ी सही जगह मिल गई, अब उसको आने दो, यहाँ पे उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। खुश रहेगा वो। साले गधे कहीं के सेफ्टी लगाता है, तुम दोनों को तो मैं अभी नहीं छोड़ने वाला। ले साले क्यों आया ना मजा, मेरी थार में काफ़ी ज़्यादा पावर है। रुक जाओ, तुम लोगों की तो मैं ऐसे की तैसे करूँगा। गधा कहीं का कवल दिया बैठा है, मौज काट रहा है। रुक जा गधे कहीं के, तुम लोग सालों मेरे हाथों से मरोगे यार। ये बारिश और होने लगी गलत टाइम पे। यार बहुत कसके लग गई यार, अब मुझे शिवाजी की ज़रूरत है। कुत्ते कहीं के अपनी जी जान से लड़ूंगा, लेकिन अपने भाई को तो मैं पाके रहूँगा यार। ज़्यादा छुपने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर के पीछे से बाहर निकला, नहीं तो तुझे लात घूसे की मार पड़ेगी और गोलियों की भी। चुपचाप निकला यार, गन्स में एमओ भी नहीं रह गई है यार। अब ये बुला रहा है गाड़ी में, अब तो जानी पड़ेगा यार। काश शिवाजी आ जाए यार सही टाइम पे, मेरा मन तो नहीं कर रहा है जाने का। सुअर कहीं के, तुझे क्या लगता है मैं आऊँगा नहीं? मैं हर मुसीबत में हर किसी के काम आया हूँ। गधे कहीं के, गधे बेवकूफ़ मर जाके तेरी गाड़ी भी पलटा दिए, अब बदला पूरा होगा। इसकी गाड़ी तो यार शिवाजी ने काफ़ी सही समय पे पलटा दी है, इसको खड़ा करता हूँ इससे यार, पूरी बात का पता लगाता हूँ। क्या सीन है यार, यार मुझे जल्दी से पता लगाना होगा। यहाँ पे मेरे वो लेजेंडर गाड़ी भी नहीं आया जिसमें मेरा भाई था यार। कितने दिनों के बाद यार मैंने अपनी भाई की आवाज़ सुनी थी यार। चुपचाप बता दे मुझे पूरा सच। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस अपने तीसरे बड़े भाई से ऑर्डर मिला था। वो हम दोनों पे नज़र रखते हैं, वो यहाँ पे कभी कभार ही आते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता। वो तो मैं एक बिल्डिंग पे मिलेंगे, इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, कंटेनर वाली। मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगा, ले तू पहले स्नाइपर की गोली खा। अभी तो एक ही 47 की गोलियाँ बाकी हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने सबसे कुत्ते कहीं के मर जाके किसी कुएं में। बस करो बस, अब ये मर चुका है। जब भी तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे हमेशा कॉल करना। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हर बाप का एक बाप होता है, उन्हीं में से एक मैं हूँ। मंगल सीनो, तुमको तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और खासकर शिवाजी।
मेरा पहले का दुश्मन। मेरा नाम है मंगल सिंह, शहर का सबसे बड़ा क्राइम।